हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिलीशियस डायनामाइट में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पोहे और आलू से बना बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता। देखिए, देखने में कितना अच्छा भी लग रहा है ये। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक कटोरी पोहा, उबले हुए दो आलू जो मैश करे हुए हैं, उसके बाद हमें लेनी है दो ब्रेड, और उसके बाद हमें मिर्ची और धनिया, फिर उसको हम प्लेट में डालेंगे बॉईल करे हुए आलू को, उसमें मिलाएंगे पोहा, उसको मिलाएंगे उसमें हम मिलाएंगे पोहा, और उसके बाद हम देखिए हमने पोहे को अच्छी तरह से आलू में डाल लिया है और उसको थोड़ा सा मिला लिया है अपने हाथ से, और उसके बाद हमें ब्रेड को पानी में भिगो के मैश करके भी उसके ऊपर डालना है, और उसके ऊपर कटी हुई मिर्ची, धनिया, करी पत्ता डालना है, और उसको उसके संग हमें कॉर्नफ्लोर भी एक कटोरी डालना है क्योंकि उसके बिना कुरकुरापन नहीं आता है। फिर उसको ठीक से मिलाएंगे नमक, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, अपने टेस्ट के अनुसार आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, और उसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर। मैंने कैच का लिया है, कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, जिस कंपनी का भी आपको अच्छा लगता हो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम उसको ठीक से धीरे धीरे हाथों की सहायता से मैश करेंगे, सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे जिससे नमक और मिर्च सब ठीक से उसमें मिक्स हो जाए, और उसको धीरे धीरे मिलाते जाएंगे, और मिलाते मिलाते उसका अच्छा सा एक डो तैयार करेंगे हम, जो बहुत ही अच्छा बनाना है हमको, फाइन पेस्ट करके बिल्कुल ठीक से ऐसे ही उसको मिलाएंगे। देखिए, हाथों की सहायता से उसको ठीक से बना के, और उसको बहुत ही स्मूथ सा एक आलूओं को अच्छे से मिला के बना लेंगे, जैसे कि मैंने दिखाया है ऐसे ही बनाना है, जिससे कि हमारे कटलेट फटे ना। और फिर अपने हाथों की सहायता से उसको थोड़ा सा लंबा लंबा शेप देकर उसके कटलेट बना लेंगे, कटलेट बना लेंगे। देखिए, आप एक हाथ से, दोनों हाथों की मदद से भी आप ये बना सकते हैं, शेप आप जो चाहें वो दे सकते हैं। मैंने थोड़ा लंबा शेप दिया है, आप अगर चाहें तो गोल भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने ये सारे ऐसे तैयार कर लिए हैं। फिर कढ़ाई में तेल को गरम करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस शेप में आएंगे, और कढ़ाई का तेल अब गरम हो गया है, उसमें हम उसको फ्राई करने के लिए डालेंगे। ध्यान रहे कि फ्लेम थोड़ा तेज़ ही होना चाहिए, क्योंकि आलू को हल्के फ्लेम पर सेकने से वो फट सकते हैं, इसलिए आप जब तेल खूब गर्म हो जाए उसमें उसको डालें, और उसको बार बार हिलाएं नहीं जब तक कि वो खुद ऊपर ना आ जाए। आलू का कुछ भी बनाएंगे तो वो अपने आप तेल में ऊपर आने लगता है जब वो अच्छे से सेक जाता है एक साइड से। जब वो ठीक से सिकने लगेगा तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से वो फ्राई हो रहे हैं, और फिर उसको आप बाद में पलट देंगे तो वो इस कलर के, धीरे धीरे ब्राउनिश कलर के हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी हल्की फ्लेम पर ही सेकेंगे, पहले तेज और फिर थोड़ी हल्की फ्लेम पर सेकते जाएंगे। ये बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। अब इसको आप एक लेडल की मदद से बाहर निकाल लेंगे, अच्छे से तेल निकाल के उसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। देखिए, एक एक दो दो करके निकालिए, वरना आप इकट्ठे एक साथ निकालेंगे तो घी भी आ जाएगा साथ में। देखिए, मैंने प्लेट में इसको रख लिया है, और कितना ही टेस्टी लग रहा है। उसके ऊपर आप करी पत्ता और धनिया डालकर उसको अच्छे से सर्व कर सकते हैं, और अब टोमेटो चटनी के साथ आप बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। ये बहुत ही खाने में टेस्टी बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए और बनाइए, और कमेंट करिए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।